हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज बताएंगे आपका PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट, ये आपका JSSC JEE और SSC JEE दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और यदि कोई सेमेस्टर एग्जाम में भी तैयारी करते हैं तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। स्टूडेंट, तो चलो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं एक एक करके प्रॉब्लम को। आपको क्या करना है, प्रॉपर ढंग से प्रॉब्लम को लिखना है और उसका सॉल्यूशन अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, और इसको जब वीडियो एंड हो तो आपको क्या करना है, एक प्रॉपर ढंग से एक बार रिवीजन करना, अपने हाथ से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना। ये प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है, इस तरह का कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। चलो एक नंबर प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, एक आपका सर्किट दिया गया है, उस सर्किट में आपका कैपेसिटर कनेक्टेड है और आपसे पूछ रहा है कि सी इक्विवेलेंट कैपेसिटर फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई के बीच में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये आपका कुछ इस तरह करके कनेक्शन दिया गया है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट कि इस तरह का प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्विंग करेंगे। तो आपको आना चाहिए कि इस तरह का प्रॉब्लम आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है। तो चलो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम नंबर वन को। ठीक है, चलो देखो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं इस प्रॉब्लम को सिस्टमेटिक ढंग से, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो स्टूडेंट ध्यान दो, अब देखो ये एक्स है, ये आपका वाई है। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या होगा, तो इसको हम लोग लेटेस्ट कंसीडर, हम लोग ए कंसीडर कर लिए और ये पॉइंट को हम लोग क्या किए, बी कंसीडर कर लिए। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये वाला पॉइंट लेटेस्ट कंसीडर बी और दिस पॉइंट लेटेस्ट कंसीडर ए। कितने पॉइंट हो गया, 1, 2, 3, 4 वो पॉइंट हो गया। तो आपको चार पॉइंट ड्रॉ करना है स्टूडेंट। ये एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। चलो ये तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स हो गया, वाई हो गया, ए हो गया, बी हो गया, आप इस तरह करके ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो ये पॉइंट क्या होगा, एक्स होगा। एक्स और ए के बीच में एक कैपेसिटर है जिसका वैल्यू क्या है, 5 माइक्रोफेरेड है। तो एक्स और ए के बीच में एक कैपेसिटर को ड्रॉ करो और जिसका वैल्यू क्या है, 5 माइक्रोफेरेड है। क्या है, 5 माइक्रोफेरेड है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो x और a के बीच में हमने कंसीडर कर लिया, x और a के बीच में कंसीडर कर लिया, इसको हमने कंसीडर कर लिया। चलो जिसको कंसीडर कर लिया उसको घेरा कर रहे हैं। x और b के बीच में कितना है, 5 माइक्रोफेरेड है। तो उसी तरह आपको करना है, x और b के बीच में एक कैपेसिटर ड्रॉ करना है जिसका वैल्यू क्या है आपका, 5 माइक्रोफेरेड है। चलो ये भी हो गया, दो कैपेसिटर का वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लिए। ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है जिसका वैल्यू क्या है, 10 माइक्रोफेरेड है। तो ए और बी के बीच में लाइन ड्रॉ करो और जिसका वैल्यू क्या है, 10 माइक्रोफेरेड है। लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बचा क्या बताओ, तो ए और वाई के बीच में क्या है, 5 माइक्रोफेरेड का क्या है, कैपेसिटर है। तो आपको ए और वाई के बीच में एक 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर को ड्रॉ करना है। चलो कर दिया, ए और वाई के बीच में 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर ड्रॉ हो गया। अब लास्ट वाला कैपेसिटर बचा, वाई और बी के बीच में एक 5 माइक्रोफेरेड का क्या है, कैपेसिटर है। तो वाई और बी के बीच में एक कैपेसिटर ड्रॉ करो जिसका वैल्यू क्या है, 5 माइक्रोफेरेड है। क्या है आपका, 5 माइक्रोफेरेड है। चलो और इक्विवेलेंट किसके बीच में निकालने बोल रहा है, एक्स और वाई के बीच में बोल रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट ये आपका, ये आपका थोड़ा सा इसको, ये आपका एक्स पॉइंट है और ये आपका क्या है, वाई पॉइंट है। इसके बीच में आपको क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करना। चलो फिगर को हम लोग रीअरेंजिंग कर लिया, अब देखो प्रॉब्लम हो गया इजी। इस फिगर को ड्रॉ कर लिया इस फॉर्मेट में, अब प्रॉब्लम हो जाएगा इजी। अब देखो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम बता दे रहे हैं। चलो अब देखो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, कॉन्सेप्ट आना चाहिए स्टूडेंट। यदि कॉन्सेप्ट आएगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, यदि इस तरह का कनेक्शन हो तो सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में है। तो बैलेंसिंग कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, इस आमने सामने वाले कैपेसिटर को क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 होगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 गुना 5 होगा तो कितना होगा, 25 होगा। इसका मतलब ये ब्रिज जो होगा वो बैलेंसिंग कंडीशन में होगा, और जब बैलेंसिंग कंडीशन में होगा तो 10 माइक्रोफेरेड का कोई भी यहाँ पर रूल, कोई भी इसका काम नहीं होगा, मतलब वो अपने आप हट जाएगा। इसका मतलब है इसको हम लोग अगेन इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह करके, इस तरह करके। चलो ऐसे हो गया, 10 माइक्रोफेरेड अपने आप हट जाएगा।
क्योंकि ब्रिज आपका क्या है बैलेंसिंग कंडीशन में, जब ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में होगा तो 10 माइक्रोफेरड का कोई भी काम नहीं होगा। चलो ये हट गया, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया 5 माइक्रोफेरड, ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट 5 माइक्रोफेरड, ये हो गया आपका 5 माइक्रोफेरड और ये आपका क्या हो गया 5 माइक्रोफेरड हो गया और ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, 10 माइक्रोफेरड हट जाएगा। अब बताओ आप, अब देखो ऊपर में जो कैपेसिटर है ये और ये कैसा कनेक्टेड है, सीरीज में है, और नीचे वाले जो कैपेसिटर वो कैसा है, सीरीज में है। तो कैपेसिटर जब सीरीज में होता है तो उसका फॉर्मूला आपको बता चुके थे, कैपेसिटर जब सीरीज में होगा तो उसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताए थे, C1 गुना C2 डिवाइडिंग बाय क्या बताए थे C1 प्लस क्या बताए थे C2 बताए थे। ये दोनों कैपेसिटर आपस में कैसा कनेक्टेड है, सीरीज में है, और ये भी आपका कैसा कनेक्टेड है, सीरीज में है। इसका मतलब जब सीरीज में रहे तो इसका फॉर्मूला ये होगा, तो 5 गुना 5 और डिवाइडिंग बाय 5 प्लस 5, तो 25 और 25 भागा 10 हो जाएगा 2.5 और यूनिट है माइक्रोफेरड, तो 2.5 माइक्रोफेरड हो जाएगा। सिमिलर स्टाइल में इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2.5 होगा। इसका मतलब स्टूडेंट आप समझ लो, ऊपर में आया 2.5 और नीचे में भी सॉल्व करके कितना आएगा 2.5 आएगा, यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ऊपर आया आपका 2.5 माइक्रोफेरड और नीचे भी सॉल्व करके कितना आया 2.5 माइक्रोफेरड। ये आपका एक्स पॉइंट है, ये आपका वाई पॉइंट है। अब दोनों कैपेसिटर कैसा कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा याद रखना है, पैरेलल में होता है C1 प्लस क्या होता है C2 होता है, पैरेलल में जुट जाता है। 2.5 और 2.5 को ऐड करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 5.0 माइक्रोफेरड हो जाएगा। मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा 5 माइक्रोफेरड हो जाएगा, कितना होगा 5 माइक्रोफेरड होगा। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम आपका एग्जाम में पूछा गया है। इसका मतलब है सबसे पहले सर्किट को रीअरेंजिंग कर लेना है, विद स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, कैपेसिटर यदि सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद रखना है, कैपेसिटर जब पैरेलल में हो तो उसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद रखना है, और लास्ट में क्या करना है फाइनल सॉल्यूशन कर देना है। तो ये प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा 5 माइक्रोफेरड। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में आने की संभावना 100% है, तो आप इस तरह का प्रॉब्लम को बढ़िया से रिवीजन करो। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 2 नंबर, चलो इसको नोट कर लो आराम से। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 2 को कैसे सॉल्विंग करेंगे, क्या बोल रहा, सबसे पहले इसको रीडिंग मारो। 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंसी, 3 कैपेसिटर है, प्रत्येक का कैपेसिटेंस वैल्यू क्या है सी है, एंड ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसका इंडिविजुअल ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है वी है, आर ज्वाइंट इन सीरीज, ये कैसा ज्वाइंट है सीरीज में ज्वाइंट है, द कैपेसिटेंस एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, मतलब कॉम्बिनेशन का फाइंड आउट करने बोल रहा है। चलो देखो 3 कैपेसिटर है, चलो 3 कैपेसिटर है, तीनों कैपेसिटर कैसा कनेक्टेड है हम नहीं बोल रहे, प्रॉब्लम बोल रहा सीरीज में कनेक्टेड है। चलो ये हो गया सी, ये भी हो गया सी, ये भी हो गया सी, और ईच एंड एवरी का ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो आपका क्या वी है, तो इसका भी वी होगा, इसका भी क्या होगा वी होगा, और इसका भी क्या होगा वी होगा, और ये कनेक्टेड कैसा स्टूडेंट सीरीज में है। चलो ठीक है, कैसा कनेक्टेड है ये मान लेते हैं एक्स पॉइंट और ये वाई पॉइंट मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो और पूछ रहा है कि इस कॉम्बिनेशन का ओवरऑल कैपेसिटेंस वैल्यू कितना होगा, मतलब सी इक्विवेलेंट पूछ रहा है, सीधी सीधी बात समझो, सी इक्विवेलेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सी इक्विवेलेंट पूछ रहा है, सबसे पहले सी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो तीनों कैपेसिटर कैसा कनेक्टेड है सीरीज में कनेक्टेड है, तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, सीरीज में 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस क्या होता है 1/ क्या होता है C3 होता है, ये बेसिक फॉर्मूला है। बट सभी कैपेसिटर का वैल्यू क्या इक्वल है, तो हम C1 के जगह पर भी C रखेंगे, C2 के जगह पर भी C और C3 के जगह पर भी क्या रखेंगे C रखेंगे, तो 1/C इक्विवेलेंट इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, 1 प्लस 1 प्लस 1 3/ क्या हो जाएगा C हो जाएगा, LCM लेंगे सॉल्व करेंगे
क्या होगा, 3/C होगा। इसको पलटी मारेंगे तो सी बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब तीन कैपेसिटर यदि सीरीज में कनेक्टेड हो और सभी का वैल्यू इक्वल हो तो सी बाई क्या होगा, 3 होगा। सी बाई क्या होगा, एन होगा, एन नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना है, 3 है, तो सी बाई क्या होगा, 3 होगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, याद रखना है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलो चलो इक्विवेलेंट निकल गया, इक्विवेलेंट कितना निकला, सी बाई 3 निकला। चलो अब देखो क्या बोल रहा है, इस पूरे होल एंड सोल कॉम्बिनेशन का वोल्टेज ड्रॉप बोल रहा है। तो जब आपका सीरीज में कनेक्टेड होगा तो वोल्टेज ड्रॉप सिंपली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, तो टोटल इक्विवेलेंट भी क्या होगा, भी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसके लिए भी भी है, इसके लिए भी भी है, इसके लिए भी भी है, तो तीनों भी को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 भी होगा। इसका मतलब है कि आपका वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वह 3 भी होगा और सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सी बाई 3 हो जाएगा। मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। आपको याद रखना होगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, याद रखना है। यही यदि आपका स्टूडेंट यदि सीरीज में ना कनेक्टेड होकर पैरेलल में होता तो आपका आंसर चेंज हो जाता, सी इक्विवेलेंट कितना हो जाता पैरेलल में, 3C हो जाता, क्या हो जाता, 3C हो जाता, और आपका भी क्या हो जाता, इक्विवेलेंट वोल्टेज भी ही होता, इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होता, भी ही होता। इसका मतलब ये पैरेलल में रहता तो आंसर आपका चेंज हो जाता, पैरेलल में होता तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाता, सी इक्विवेलेंट कितना हो जाता, याद रखोगे पैरेलल में रहता तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाता, 3C होता, और भी भी के बराबर होता, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता, समान होता है। भी नेट या भी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता, भी ही होता, किस कनेक्शन में, पैरेलल में, बट पूछ रहा है सीरीज में, इसीलिए आंसर क्या होगा, सी। चलो आगे का प्रॉब्लम देखते हैं, आगे का प्रॉब्लम भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बहुत ज्यादा है। जो जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कॉन्सेप्ट को रिटर्न करना है, फॉर्मूला को रिटर्न करना है, प्रॉब्लम को समझना है, बार बार रिविजन करना है, भूलना नहीं है, यदि भूलोगे तो प्रॉब्लम नहीं बन पाएगा। चलो आगे क्यों देखते हैं, आगे का प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 क्या बोल रहा है। एक क्वाइल ऑफ रेजिस्टेंस, एक क्वाइल है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 400 ओम है। चलो ठीक है, एक क्वाइल ऑफ रेजिस्टेंस, उस क्वाइल का रेजिस्टेंस कितना है, 400 ओम है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने बोल रहे हैं प्रॉब्लम बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, उसको प्लेस करें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स आपका वेबर में दिया गया है, उस फ्लक्स का वैल्यू दिया गया है आपका फाइ इज इक्वल टू दिया गया है 50 t² प्लस क्या दिया गया 4, और टाइम दिया गया आपका 2 सेकेंड, और आपका करंट का वैल्यू पूछ रहा है। चलो अब करंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है, तो आपका एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फ्राइडे का सेकेंड लॉ से आता है, माइनस एन डी फाई बाई क्या होता है, डी टी होता है। अब पूछेगा कि सर एन क्या है, तो बोलेंगे टर्न्स होता है, और फाई क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, फ्लक्स होता है, ठीक है। तो चलो इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम निकाल लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड वैल्यू मतलब एन डी फाई बाई क्या होगा, डी टी होगा, माइनस है तो माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाएगा, एन डी फाई बाई क्या होगा, डी टी होगा। और नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर नहीं दिया गया है, यदि नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया गया तो आपको अपने से एजम्पशन कर लेना कि एन का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो एन 1 रखेंगे तो डी फाई बाई क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो निकलेगा वो डी फाई बाई डी टी होगा, समझ में आ रहा होगा आपको। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकाल लेते हैं, इस फंक्शन को हम डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। फाई का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है कितना है, 50 t² प्लस 4, जिसको डेरिवेटिव पता है वो तुरंत बना लेगा, 50 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 100t आएगा, टी का वैल्यू कुछ दिया है, टी कितना दिया है देखो 2 सेकेंड, इसका मतलब 200 वोल्ट आ गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सॉल्व करके। चलो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो आ गया, आपको क्या निकालना, करंट, तो आप क्या करोगे, आई इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बटा कितना होगा बताओ बाबू, आर होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, 200 है, और आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 400 है। सॉल्व कर लो, काटो 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 काटो, इसको काटेगा तो ये कितना होगा, 2 1/2, करंट कितना हो जाएगा, 0.5 एम्पियर। बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आराम से नोट डाउन करो।
इसका मतलब है ये फॉर्मूला आना चाहिए, ये फॉर्मूला पता रहेगा तभी जाके बनेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम फंस जाएगा। ये कहां से आता है? फ्राइडे का सेकेंड लॉ से आता है। ये नेगेटिव साइन क्यों लगता है? ये क्या करता है? फ्राइडे सेकेंड लॉ को लेंथ लॉ क्या करता है? अपोज करता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्या करता है? अपोज करता है, इसीलिए यहां पर नेगेटिव साइन आता है। बट साइन से लेना देना नहीं है, हमको मैग्नीट्यूड वैल्यू चाहिए। मैग्नीट्यूड वैल्यू हमने निकाल दिया, करंट का वैल्यू भी फाइंड आउट कर दिया। इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा 0.5 एम्पियर होगा। तो इसको बोलेगा कि फ्राइडे का सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। एन होगा टर्न्स, फाई होगा फ्लक्स, और डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये बोल सकते हो, याद रखोगे प्रॉब्लम बन जाएगा। इसका मतलब इस फॉर्मूला को याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखो चार नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। चलो चार नंबर देखते हैं आराम से। चार नंबर का प्रॉब्लम आपको बनाना है, यदि आपको पता है तो आप बनाइए आराम से, लास्ट में आंसर को मैचिंग करिए, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा बहुत इंक्रीज करेगा आपका। चलो चार नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। चार नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू ए 50 ओम रजिस्टर इज 10 वोल्ट। मतलब पीक वोल्टेज जो दिया गया स्टूडेंट, कितना दिया गया? पीक वोल्टेज को वीएम से सूचित करेंगे, वो आपका 10 वोल्ट दिया गया है। एक प्रॉब्लम बोल रहा है पीक वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट है। चलो उसमें जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो आपका यहां पर गिवन है 50 ओम दिया गया है। आरएमएस करंट निकालना, चलो अब आरएमएस करंट कैसे निकालेंगे? चलो तो सबसे पहले समझना है कि आरएमएस करंट निकालने के लिए आपको आरएमएस वोल्टेज चाहिए, बट आरएमएस वोल्टेज तो नहीं दिया गया, आपको क्या दिया गया? पीक वोल्टेज दिया गया, वीएम दिया गया है। तो आपको बता चुके थे आरएमएस, आरएमएस का फॉर्मूला वी आरएमएस इज इक्वल टू क्या होता है, आपको याद रखना होगा अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं बनेगा। वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है? वीएम बाय रूट टू होता है, साइनसोइडल वेवफॉर्म का ये फॉर्मूला याद रखना है। तो वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा? वीएम बाय क्या होगा? रूट टू होगा। वीएम जो होगा पीक वैल्यू होगा, पीक वैल्यू को रूट टू से डिवाइड करेंगे तभी जाके आपको आर एम एस वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब 10 बाय रूट टू वोल्ट होगा। चलो चलो ठीक है, वी आर एम एस तो निकाल दिए, अब बताओ आई आर एम एस कैसे निकालेंगे? बेहद इजी है। आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा? वी आर एम एस बाई क्या होगा? आर होगा। चलो वी आर एम एस तो आप निकाल दिए हो, 10 बाई रूट टू पुट अप करो, और 1 बाई रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको पता है 50। चलो कैंसिल करो, अब बताओ तो बाबू अब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो तो 1 बाई क्या है? रूट टू है, कुछ नहीं करना है, 1/5 को अलग रखना है, 1/√2 है, रूट टू से ऊपर नीचे गुना कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ, अपने मन से गुना कर दिए, कैलकुलेशन कीजिए बनाने के लिए। ऊपर रूट टू होगा और ये रूट टू होगा, 2 को 5 से गुना करेंगे 10 होगा। चलो रूट टू का वैल्यू आपको याद रखना, 1.414 भागा कितना हो जाएगा बता? 10 होगा, यस या नो? चलो 10 होगा। अब 10 से भाग दे वो तो क्या हो जाएगा? इस पॉइंट को हटाना है, बताओ 1, 2, 3 होगा, 1, 2, 3 होगा। इससे भाग दोगे मिलेगा 0.1414, देख लो भाग दे रखिए, इतना एम्पियर आ जाएगा। आई आर एम एस क्या हो जाएगा? 0.1414 एम्पियर। मतलब आंसर क्या होगा? सी, बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। यदि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते वी एम बाई आर तो 1/5 होता, 1/5 मतलब 0.2 आता, देखो 0.2 है, गलत हो जाता आंसर। इसीलिए आईआरएमएस पूछ रहा है तो वी आरएमएस पहले निकालना है, उसके बाद आईआरएमएस का फॉर्मूला होगा वी आरएमएस बाय आर। फॉर्मूला याद रखोगे, ये सब बेहद इंपॉर्टेंट है। आईआरएमएस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। इसको नोट करना है, ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से नोट करना है। प्रॉब्लम को सिस्टमेटिक ढंग से नोट करोगे आराम से समझ में आएगा। ये आपका क्या हो गया? चार नंबर का सॉल्यूशन हो गया, यहाँ से यहाँ तक नोट करो। चलो आगे क्या देखते हैं? पांच नंबर प्रॉब्लम। पांच नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है उसको समझो। अब देखो पांच नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। अब बताओ स्टूडेंट, जिसका रेजिस्टिविटी सबसे कम होगा उसका कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा। आप बताओ कि इस ये जो जितने सारे ऑप्शन दिया गया है किसका कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है? तो आप बता सकते हो कि कॉपर का कंडक्टिविटी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है
कॉपर का रेजिस्टिविटी क्या होगा? सबसे कम होगा, आंसर होगा कॉपर। बोल रहा है कि चारों ऑप्शन में किसका लोएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी है, आपको याद रखना क्या होगा? कॉपर होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। चलो छह नंबर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी म्यू नॉट एंड सब्सटेंसेस, नहीं सॉरी सब्सटेंसेस नहीं, सक्सेसिबिलिटी के का क्या रिलेशन होगा? कुछ नहीं है, इस रिलेशन को तो आपको याद रखना होगा। तो म्यू आर इज इक्वल टू होता है 1+K/μ0 म्यू नॉट होता है, याद रखिएगा। ये आपका रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी म्यू नॉट एंड सक्सेसिबिलिटी के, क्या रिलेशन है? तो ये रिलेशन होगा म्यू आर इज इक्वल टू 1+K/μ0, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको बार बार रिवीजन करोगे, याद रखोगे। यदि पूछेगा कि म्यू नॉट और सक्सेसिबिलिटी में क्या रिलेशन है, तो म्यू आर जो होगा रिलेटिव परमिबिलिटी इज इक्वल टू 1+K/μ0 होगा, ये रिलेटिव परमिबिलिटी होगा, ये सक्सेसिबिलिटी होगा, और ये आपका क्या होगा? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होगा, याद रखोगे। ये आपका रिलेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। चलो सात नंबर को देखते हैं, सात नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं, ये आपका छह नंबर का सॉल्यूशन है, छह नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सात नंबर प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, अब देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर बायोट सर्वट लॉ, कुछ नहीं है, बायोट सर्वट लॉ बोलता है एक लॉन्ग कंडक्टर है, उसमें आपका आई अमाउंट ऑफ करेंट पास कर रहा है, इस पूरे कंडक्टर का लेंथ एल है, इसका एक स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर करेंगे डी एल, एक पर्टिकुलर पॉइंट को कंसीडर करेंगे, मान लेते हैं ये पॉइंट को कंसीडर किए, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये आपका पी पॉइंट है, इस पॉइंट में आपका मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? वही पूछ रहा है बायोट सर्वट लॉ। इसका मतलब है कि आपका जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इस लेंथ का, लेंथ जितना बड़ा होगा उतना ही आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस को हम कंसीडर करेंगे आर। इसका मतलब है, अब देखो डीबी जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? करेंट के होगा, करेंट जितना बहेगा उतना आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और डीबी किसके प्रोपोर्शनल होगा? साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, और डीबी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, 1/r² का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डिस्टेंस जितना कम रहेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा लगेगा, इसका मतलब तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, याद रखोगे डीबी इज इक्वल टू क्या होगा? आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, यही आपका क्या होगा? बायोट सर्वट लॉ होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r², मतलब 1/ डिस्टेंस का स्क्वायर। चारों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, इसका मतलब कौन सा होगा बताओ? तो ये वाला आंसर होगा, बायोट सर्वट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर होगा, याद रखोगे। आंसर इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो आठ नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं, आठ नंबर प्रॉब्लम भी क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट है, नोट करना तो आप नोट करो आराम से। अब आठ नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? इफ एडमिटेंस, एडमिटेंस को किससे सूचित करते हैं स्टूडेंट? वाई से। अब देखो एडमिटेंस का यूनिट क्या होगा? मो, जो बोल रहे हैं आपको याद रखना है, फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। एडमिटेंस का यूनिट क्या होता है? मो। इंपिडेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। चलो ठीक है, अब देखो यदि ये y के जगह पर यदि स्टूडेंट इस तरह पूछता, z इक्वल टू कुछ पूछता, मान लो z इक्वल टू a+jb पूछता और बोलता a क्या है, तो कुछ हो नहीं, a होता क्या? रेजिस्टेंस होता, याद रखो a क्या होता है, नोट करना कर लो। अब b जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता? रिएक्टेंस होता, क्या होता? रिएक्टेंस होता यदि z पूछता। हाँ, जेड क्या होगा? इंपिडेंस होगा। इसका सभी का यूनिट क्या होगा? इसका भी यूनिट ओम होगा, इसका भी यूनिट क्या होगा? ओम होगा। और जेड को क्या बोलते हैं? लिख लो, लिखना है तो इंपिडेंस, इसका भी यूनिट क्या होता? ओम। बट ये तो पूछा नहीं है, क्या पूछा? वाई इज इक्वल टू पूछा a+jb, यदि वाई पूछता स्टूडेंट तो वाई क्या होता? एडमी
एडमिटेंस, लिख लो लिख लो, बहुत काम देगा एडमिटेंस, ठीक है। इस कंडीशन में ए और बी क्या होगा, तो ए आपका क्या होगा, ए आपका कंडक्टेंस होगा, क्या होगा कंडक्टेंस होगा, और बी आपका क्या होगा सस्टेंस होगा, क्या होगा सस्टेंस होगा। सबका यूनिट क्या होगा, मो, याद रख लो बेहद इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये इक्वेशन पूछा है, इसमें पूछ रहा है ए क्या है, आपको बोलना है ए जो है वो क्या है कंडक्टेंस है। यदि बी पूछता तो आंसर होता डी, और यदि यहां पर जेड कर देता तो ए पूछता तो रेजिस्टेंस होता, और बी पूछता तो क्या होता रिएक्टेंस होता, कब जब यदि जेड कर देता। देख लो समझो बात को, इसके लिए ये कंडीशन और इसके लिए ये कंडीशन, कंडीशन ये पूछा है इसको टिक करना, ऊपर वाला पूछता तो ऊपर वाला को टिक करते, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये आपका 8 नंबर का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लिखना है लिख लो, बेहद इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बहुत ज्यादा है, उस तरह का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवा रहे हैं जो एकदम बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखो 9 नंबर का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। 9 नंबर में क्या बोला है, द सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ, एक नंबर दिया गया है 1 0 1 0 1 0 1 दिया गया, इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट से निकालना है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रॉब्लम है, सबसे पहले सेकंड कॉम्प्लीमेंट आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो, पहले आपको क्या करना होगा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। अब फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना बेहद इजी है, कुछ भी नहीं करना, वन को जीरो और जीरो को वन कर देना है। तो यहां पर वन है तो जीरो कर दो, जहां वन है वहां पर सॉरी जहां जीरो है वहां वन कर दो, यहां पर वन है जीरो कर दो, यहां पर जीरो है वन कर दो, यहां पर वन है जीरो कर दो, यहां जीरो है वन कर दो, यहां पर वन है जीरो कर दो, हो गया फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकाला, वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल लो और उसमें एक ऐड कर दो, जीरो और वन वन होगा, फिर वन जीरो वन जीरो वन जीरो, कौन सा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन मैचिंग करेगा उसको टिक कर दो, जीरो वन जीरो वन जीरो वन वन, इसका मतलब लगता है सी मैचिंग कर रहा है, जीरो वन जीरो वन जीरो वन वन, आंसर क्या होगा सी होगा, याद रखना है। तो इसका मतलब है इस प्रॉब्लम से क्या सीखा, जो दिया जाएगा उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कर लेना है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट बेहद ईजी है, जहां पर वन रहेगा वहां पर जीरो लिखना है, जहां पर जीरो रहेगा वहां पर वन लिखना है, वन कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेना है, उसके बाद वन को ऐड करना है, वन को ऐड करोगे जो रिजल्ट होगा वो आपका इस नंबर का क्या हो जाएगा सेकंड कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सेकंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। 10 नंबर, 10 नंबर बेहद इंपॉर्टेंट है, नोट करना करो आराम से। और देखो 10 नंबर में क्या बोला स्टूडेंट, एक नंबर दिया गया है वो आपका डेसिमल नंबर में है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। आपको बता चुके थे कोई आपका डेसिमल नंबर होगा तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पूछो नहीं है, जो आपका डेसिमल नंबर दिया गया उसको 2 से भाग देना है, भागफल और शेषफल को लिखते जाना है, बस हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। चलो देखो, अब देखो आपका क्या है, एक प्रॉब्लम है 20 है, वो आपका क्या है डेसिमल में है, आपको किस में कन्वर्ट करना है बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं है, जो डेसिमल नंबर है उसको भाग देते जाओ 2 से, यहाँ पर भागफल को लिखो यहाँ पर शेषफल लिखो, भागफल कितना होगा 10 होगा, शेषफल 0 होगा, फिर 2 से भाग दो भागफल होगा 5, शेषफल होगा 0, फिर 2 से भाग दो भागफल होगा 2, शेषफल होगा 1, बोलो यस या नो, फिर 2 से भाग दो भागफल होगा 1, शेषफल होगा 0, इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखो, लिखने का तरीका ये होगा क्या, जो 1 0 1 0 1 0 1 0 0 हो जाएगा, 1 0 बताओ 1 0 कौन सा होगा बताओ, 1 0 और 1 0 0 होगा, आंसर हो जाएगा डी, बेहद इंपॉर्टेंट है, ऐसे रिटर्न कर लेना है, नीचे से ऊपर की ओर लिखना है, ये आपका क्या हो जाएगा इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। यदि कोई डेसिमल नंबर दिया गया है बाइनरी में लिख करना है, तब तक भाग देना जब तक ये वाला भागफल आपका 2 से छोटा ना हो जाए, ये याद रखोगे। चलो अब देखो 11 नंबर प्रॉब्लम, ये आपका क्या है 10 नंबर प्रॉब्लम है, नोट करना तो कर लो, जो भी बता रहे बेहद इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। चलो अब देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन ए वोल्टेज रेगुलेटर, याद कर लो, वोल्टेज रेगुलेटर में हम किस डिवाइस का यूज करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधे याद रखना है, वोल्टेज रेगुलेटर में हम लोग किस डिवाइस का यूज करेंगे, तो आपको याद रखना है जेनर डायोड का यूज होता है वोल्टेज रेगुलेटर में, जेनर डायोड का यूज होता है किसमें, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका जेनर डायोड होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, जेनर डायोड हो जाएगा, क्या होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर, याद रखोगे
बोलोगे जेनेट डायोड, क्या होगा जेनेट डायोड होगा। अब लास्ट वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं आराम से, क्या बोल रहा देखो, द करेंट इन रिवर्स बायस इन ए पीएन जंक्शन डायोड मे बी, पीएन जंक्शन डायोड है स्टूडेंट, पीएन जंक्शन सब बता दे रहे, पीएन जंक्शन डायोड है, क्या है पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड का दो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक होता है फॉरवर्ड बायस और दूसरा क्या होता है रिवर्स बायस। चलो लिखो, फॉरवर्ड बायस में जो करंट का मेजरमेंट यूनिट होता है वो आपका मिली एम्पियर में होगा, चाहे डायोड आपका सिलिकॉन रहे चाहे आपका जर्मेनियम रहे, बट रिवर्स बायस में यहां पर चेंजिंग हो जाएगा, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। यदि सिलिकॉन होगा तो रिवर्स बायस का करंट का जो मेजरमेंट यूनिट होगा वो नैनो एम्पियर होगा, और यदि आपका जर्मेनियम होगा तो करंट मेजरमेंट यूनिट जो होगा वो माइक्रो एम्पियर होगा, याद रखेगा। फॉरवर्ड बायस में आपका ऑलवेज क्या होगा मिली एम्पियर होगा, रिवर्स बायस में यदि आपका जर्मेनियम होगा तो माइक्रो एम्पियर होगा, यदि सिलिकॉन होगा तो नैनो एम्पियर होगा। माइक्रो का मतलब होता 10^-6 एम्पियर, ये भी याद रख लो, नैनो का मतलब होता 10^-9 एम्पियर, और मिली का मतलब होता 10^-3 एम्पियर, याद रखना याद रख लो। इसका मतलब है आपसे किस में पूछ रहा है, रिवर्स बायस में पूछ रहा है, तो रिवर्स बायस में क्या होगा माइक्रो और क्या हो सकता है नैनो हो सकता है, यही आपका फॉरवर्ड बायस होता तो आंसर होता है ए, बट आपसे पूछ रहा है रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर में भी हो सकता है नैनो एम्पियर में भी हो सकता है। माइक्रो एम्पियर आपका जर्मेनियम के लिए होगा और नैनो एम्पियर आपका किसके लिए होगा सिलिकॉन के लिए होगा। इसका मतलब 12 का प्रॉब्लम का आंसर जो होगा बी होगा। चलो स्टूडेंट 12 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवा दिए, 12 प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये आपका सेट नंबर कितना था अभी बताओ, 33 था, तो ये आपका सेट नंबर 33 था, 33 में आपका 12 प्रॉब्लम लिए थे। 12 प्रॉब्लम में हम लोग खाली 12 प्रॉब्लम को कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ से ढेर सारा कॉन्सेप्ट को सीख के गए हैं, सभी कॉन्सेप्ट को मिला देंगे तो मोटा मोटी इससे आपका 25-30 प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को याद रखना है, प्रॉब्लम को बारीकी से ध्यान देना है, बार बार रिवीजन करना है, प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाना है और आपको याद रखना है सबका सॉल्यूशन। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।